खबर अमृतपाल सिंह नाल जुड़ी हुई आ रही है। अमृतपाल सिंह दा बेहद करीबी दस्या जा रहा है। तजिंदर सिंह गोरखा उर्फ गोरखा बाबा नूं पुलिस वालों गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अमृतपाल दे नाल अक्सर गनमैन दे तौर ते वेख्या जांदा सीगा। गनमैन दे तौर ते उह अक्सर अमृतपाल सिंह दे नाल वेख्या जांदा सी। अजनाला कांड दे विच वी उसदा नां दर्ज है, जिस तों बाद उसनूं गिरफ्तार किया गया। दस दईए कि वख-वख मामलियां दे विच उसदा नां दर्ज है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया से गोरखा बाबा अक्सर एक्टिव रहिंदा सीगा। हथियारों के नाल वीडियोज़ जिहड़ियां ने उसदियां काफ़ी वायरल हुंदियां सी। उस मामले दे विच वी उसके खिलाफ केस दर्ज किया होया, FIR दर्ज की हुई है। तो इस दे नाल ही उन्हां दा कहना है कि अजनाला कांड दे विच वी उह आरोपी नामजद सीगा, जिस तों बाद हुण उन्हां दा कहना है कि उस तों पहलां कई लड़ाई झगड़ियां दे विच शराब तस्करी दे मामले दे विच वी उसनूं जिहड़े उसदे नां जिहड़े ने दर्ज ने उसके खिलाफ मामले दर्ज ने। उत्थे ही इह वी दस दईए कि शराब तस्करी दे मामले दे विच उसनूं सज़ा भी मिल चुकी है। तुसीं वी सुणो इस संबंधी पुलिस अधिकारी दा की कहना है। एक अपने थाणा मलौत दे तहत एक पिंड पैंदा मांगेवाल, उधर दा एक व्यक्ति हैगा तजिंदर सिंह गिल, जो कि पिछले समय तो काफ़ी टाइम तो जिहड़ा अमृतपाल दे नाल एज सिक्योरिटी ड्यूटी चलता हुंदा सीगा, जो कि सोशल मीडिया ते भी एक्टिव सीगा ते उहदी कई ऐसी फोटोआं सीगी जिहदे च उहने हथियार फड़े हुए सीगे। रिकॉर्ड जब चैक किया गया तो इहदे नां ते कोई भी जिहड़ा हैगा आर्म्स लाइसेंस जिहड़ा इशूड नहीं सीगा, जिस दे बावजूद भी जिहड़ा सोशल मीडिया ते इहदी वीडियो सीगियां जिहदे च इहदे कोल अलग अलग तरह के वैपनज इहने फड़े हुए सीगे, जो कि पंजाब सरकार के हुक्मां दे तहत जिहड़ा इहदे जिहड़ी पाबंदी दे ऑर्डर सीगे उहदे तहत जिहड़ा इहदे खिलाफ़ जिहड़ा 188 दा जिहड़ी FIR उह रजिस्टर की गई है। तो उस तों इलावा इहदे दी 750 भी की गई है, क्योंकि रिकॉर्ड मुताबिक यह भी पता लग्या भी जिहड़ा अजनाला इंसीडेंट होया सी जिहदे च अमृतपाल दे उपर FIR हुई सी, ये उत्थे भी नाल उहदे गया सीगा ते उहदे च वी इनवॉल्व सीगा। उसकी जिहड़ी आ वक्रे तौर पर जिहड़ी अजनाला पुलिस वालों इहदे ते वक्री अरेस्ट ते वक्री कार्रवाई होएगी। तो फिलहाल जी साडे वालों 188 की जिहड़ी आ दे तहत इहदे ते FIR रजिस्टर हुए दे अरेस्ट पाई गई है। तो 750 भी नाल जिहड़ी की की हाथ लगे जिहड़ा पता लग्या भी किस तरीके नाल इहदे नाल सीगा जिहड़ा ये पिछले कुछ अमृतपाल दे कुछ साथी सीगे जिन्हां दे राही अमृतपाल दे नाल जिहड़ा जुड़िया सीगा, जो कि पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन आ, जो कि हाले पुछगिछ जा रही है। तो अगे जो भी अगे होर भी खुलासे आणगे ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਊਂਡਅਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਿਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ 2 FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਲ ਥਾਣੇ ਤਹਿਤ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਵਿਹਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰੈਸਟ ਅਵਰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬੇਸਡ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ FIR ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਪਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕੂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਕਰਨੀ ਪਈ।